हेलो नमस्कार। कंपनी की तरफ से बड़ा ऐलान हो चुका है, 2022 की 12,000 लोगों को मिलने वाली है नौकरी। अगर आप एक 10वीं 12वीं के साथ पास आउट हैं तो आप बिना एग्जाम दे कर सकते हैं नौकरी। और इस बार बड़ी खबर होगी, आखिरकार ये कहाँ पे होगी। अगर गूगल आप लोगों को नौकरी देने वाला है वर्क फ्रॉम होम की, तो वो किस किस क्षेत्र में और कौन से देश में, देश की बात करें तो कहाँ पे, और ये क्यों इस तरह की अपडेट आप लोगों को मिल रही है, तो इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। जी हाँ, काफ़ी अच्छी अपडेट है और ये न्यूज मुझे भी अभी मिली है, ताकि आप लोगों को मैं इसके बारे में जानकारी दूँ और आप खुद भी इसके बारे में अपडेट रहें, खासकर उनके लिए जो अगर नौकरी करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा, आप लोगों के साथ मैं ये पूरी जानकारी एक न्यूज एजेंसी के जरिए देने वाला हूँ। और गूगल ने 2022 में ऐलान किया है कि 12,000 लोगों को फुल टाइम जॉब देगा, और वो भी वर्क फ्रॉम होम। अब इसका क्या रीजन है और इसमें किस तरीके के लोगों या किस तरीके के स्टूडेंटों की डिमांड होगी, ये तो क्लियर है कि इसमें आप लोगों को एग्जाम वगैरह कुछ नहीं देनी होगी, बस आपका कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा। ये इसका प्रोसेसर होता है जिसकी बात मैं आप लोगों से करना होगा, तो ऐसा होगा आगे। लेकिन अभी जो न्यूज के अंदर जो ऐलान किया गया है उसकी मैं बात करूँ, तो ये गूगल ने ऐलान किया है 2022 की बड़ी अपडेट है। और न्यूज एजेंसी की मैं बात करूँ तो न्यूज एजेंसी भी आप लोगों के सामने रखूंगा, ताकि आप लोग पूरी जानकारी ले सकें, क्योंकि मैं ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं बना रहा, मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा, क्योंकि ये मैंने एक छोटी सी पीडीएफ तैयार की है, बस उस न्यूज एजेंसी का डाटा यहां पे डाला है, जिस न्यूज एजेंसी की बात मैं आप लोगों के सामने करूंगा। आप अच्छे से जानते होंगे गूगल की जो न्यूज या टेक न्यूज आई है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ये भी ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग अगर एक तैयारी कर रहे हैं या फिर पार्ट टाइम फुल टाइम के लिए जॉब करना चाहते हैं, या अगर आपको SEO या टेक्नीशियन या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो आप लोग आज इसके बारे में अपडेट दे सकते हैं। गूगल इस साल 12,000 लोगों को देगा फुल टाइम नौकरी, जाने कंपनी का पूरा प्लान, आखिरकार क्या प्लान है। गूगल की तरफ से इस साल भारी संख्या में नई नौकरी देने का ऑफर दिया जा रहा है। गूगल इस साल करीबन $9.5 बिलियन निवेश करने वाला है, योजना पर काम कर रहा है, साथ ही वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस मोड पर लौट रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कि पहले वर्क फ्रॉम होम था, उसे वापस मोड पे किया, ऑफिस वाले मोड पे किया जा रहा है, या फिर वर्क फ्रॉम होम के किया जा रहा है। तो ये न्यू दिल्ली से अपडेट मिली है। गूगल ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है कि कंपनी USA ऑफिस से डेटा सेंटर $9.5 बिलियन निवेश करने की योजना की जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जो पिछले ईयर्स की बात करें तो $7 बिलियन के बारे में बात कर रहे थे, 2022 में करीबन ये $9.5 बिलियन निवेश करने वाला है, जबकि इसमें पिछले ईयर की बात की जाए तो $7 बिलियन इसने निवेश किया था। अब USA जो है हेड ऑफिस के जरिए इसने बताया कि US का जो सेंटर है उसमें ये डेटाबेस के लिए इतने सारे ऑफिस या कंपनीज खोली जाएगी, उसके अनुसार यहाँ पे एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों की बात इस बार गूगल ने की है। गूगल ओपन करेगा फिजिकल ऑफिस, देखिएगा गूगल ने कहा है कि ऑफिस पर कंपनियों के निवेश करेगा, यानी कि जो गूगल्स की कंपनी है या गूगल्स की कंपनीज है उन पर निवेश करने वाला है। और निवेश करेगा तो सिंपल है कि एम्प्लॉयज की रिक्वायर होगी, एम्प्लॉयज की रिक्वायर होगी तो रोजगार कम होगा, तो यानी कि अगर आप एक प्राइवेट जॉब करना चाहेंगे तो भी आप लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा। अभी ये इंडिया में भी होगा, ऐसा नहीं कि US में ही होने वाला है, पूरे इंडिया यानी कि पूरी दुनिया में ऐसा होगा। 9.5 मिलियन डॉलर अगर निवेश कर रहा है वो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे नौकरियां मिलेगी और कई ऐसी जगह पे आप लोगों को मिलने का चांसेस होगा जिन्हें इसके बारे में नॉलेज होगी। तो दोस्तों ये एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है इसके बारे में। अब मैं बात करूं न्यूज एजेंसी के बारे में, आखिरकार कई विद्यार्थी बोल रहे होंगे फ्रॉड है, आपने बनाया होगा ये, इसके जरिए आप लोगों ने जानकारी दी होगी। तो ये देखिएगा, ये जागरण न्यूज है, काफी बड़ी न्यूज एजेंसी है और आप लोग अपने मोबाइल में जाके इसे सर्च कर सकते हैं और इसके टेक न्यूज पे जाइएगा, वहां पे लेटेस्ट अपडेट है। ये है न्यू दिल्ली से निकाली हुई और इसमें 13 अप्रैल का दिया हुआ है, करीबन 6 PM पे इसे जारी किया था संस्था ने। और क्योंकि इसने अगर ये अपडेट जारी किए तो सोच समझ के जारी की होगी, जानकारी दी होगी पूरी सोच समझ के दी होगी। तो दोस्तों
उम्मीद करेंगे कि अगर ये अगर अपने इंडिया में भी हो, जैसे नोएडा में हो, दिल्ली में हो, या फिर कहीं पर भी आप लोगों को अगर इसके टेक्नीशियन के या टेक्निकल के डिजिटल मार्केटिंग के जॉब के बारे में इच्छुक हैं, प्राइवेट जॉब के लिए इच्छुक हैं, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं और पार्ट टाइम के लिए भी नोगे अभी फिलहाल भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी मैं बात करूं तो गूगल ऐप है या गूगल एजुकेशन के नाम से एक ऐप है, वहां पे जाइएगा, वहां पे अपना कोर्स कर भी सकते हैं, वहां पे फ्री में भी कोर्स होता है, वहां पे पेड पे भी कोर्स होता है, वहां पे डिजिटल मार्केटिंग एसईओ अगर जो भी है वहां पे कोर्स कराए जाते हैं, तो वहां पे भी जाके आप लोग कर सकते हैं और एक बार अपनी किस्मत वहां पे भी आजमा सकते हैं, खासकर उनके लिए जिनके पास 10वीं 12वीं की क्वालिफिकेशन है और करना चाहते हैं प्राइवेट नौकरी। अगर गवर्नमेंट की कर रहे हैं तो अच्छा है, गवर्नमेंट की ही कीजिएगा जब तक आपके पास टाइम है, फिर बाद में आप आगे की देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक नॉलेज के लिए मैंने न्यूज बनाई है, एक न्यूज के लिए, ताकि आप लोगों को इन चीजों का भी पता हो। वीडियो कैसा लगा, अगर ऐसी न्यूज प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, आने वाली हर एक जानकारी की सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, अगली वैकेंसी के साथ फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।